बिल्कुल सही है। क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल चांदी चांदी श्रद्धा है काय की श्रद्धा मैं क्या करूँ श्रद्धा चांदी के फूल है 1000 जी तो मैं क्या बेचूं नहीं फिर क्या करूँ आप ही सोच के बताओ ईश्वर पेड़वा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा क्या मिलेगा सर अयोध्या धाम में आ गए हम लोग धन्य हो गए बस इतना हम लोगों ने मनाया अयोध्या में दर्शन काट कर पैसा ले लिया। दोस्तों राम मंदिर को लेकर दोनों तरफ से सियासत जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चंपत राय रामलला के सोने के दरवाजे की कीमत बताते हैं कि दरवाजे कितने करोड़ का है। इस वीडियो को लेकर विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि चंपत राय ने राम भक्तों की श्रद्धा का भी इस वीडियो में मजाक उड़ाया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस को नीचा दिखा रही है और भगवान राम के खिलाफ बता रही है। पहले हम चंपत राय के वीडियो की बात करते हैं। चंपत राय के पास कुछ इत्र व्यापारी यह चांदी के फूल लेकर आते हैं, करीब 1000 चांदी के गुलाब के फूल लेकर आते हैं। उसके बाद चंपत राय इनको क्या कहते हैं और सोने के दरवाजे को लेकर क्या कहते हैं जरा सुनिए। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वा तो दिया करे कौन करेगा, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। कम से कम पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को क्या या तो अयोध्या है इसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। तो दोस्तों चंपत राय कहते हैं कि काहे की श्रद्धा, इन चांदी के फूलों को मैं क्या करूंगा, क्या इनको बेचूं, ये मेरे किस काम आएंगे। फिर बताते हैं कि रामलला के सोने के एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ है और पुजारी की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि चंपत राय ने ये सारी बातें मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह क्या कहते हैं, ये चंपत राय हैं, इनको सुनिए, फिर आप सहज समझ सकते हैं कि इनकी प्रभु श्री राम, पवित्र अयोध्या, उनके श्रद्धालुओं और दानदाताओं के प्रति ये कितनी नफरत और उपहास हे भाव रखते हैं। यह राम भक्त हैं, ना सनातन भक्त हैं, ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। तो चंपत राय पर आरोप लगाया जा रहा है कि काहे की श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने राम भक्तों का मजाक उड़ाया है। इसके अलावा पुजारी की जान को लेकर भी मजाक उड़ाया है। हालांकि मंदिर में काफी सुरक्षा होगी तो राम मंदिर में पुजारी को क्या खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी, धन्यवाद।